वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग. हम बात कर रहे हैं ORS का यूज़ करना डिहाइड्रेशन में. अब सिंस हम लोग रोज़े में सबसे ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो हम ORS का इस्तेमाल नॉर्मली कर सकते हैं. वैसे कोई नुकसान होता है उस चीज़ से क्या? कोई कुछ फ़ायदा या नुकसान है ORS यूज़ करने से? देखें, ORS तो एक मेडिसिन है, हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेनी होती है. ORS तो हो गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट. सहरी और अफ्तार के दरमियान जब हम फ्लूड भी लेंगे, पानी तो हम वैसे प्लेन वाटर पी सकते हैं, इसके अलावा लिक्विड हम फ्रूट जूसेस में भी ले सकते हैं. जहाँ तक सॉल्ट्स का ताल्लुक है, वो हमें हमारी फूड में मिल जाता है. वो रिक्वायरमेंट जो होगी वहाँ पर पूरी. अच्छा, मतलब रिक्वायरमेंट्स हमारी और चीज़ें से पूरी है जो उसके अंदर सॉल्ट एंड स्वीट एंड सॉल्ट है उसके अंदर, वो सब पूरे रिक्वायरमेंट्स हमारी उससे पूरी हो जाते हैं. क्योंकि ORS में सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, और उसे हम पानी में मिक्स करते हैं. तो यही चीज़ें सारी हमारी नॉर्मल फूड से और प्लेन वाटर से शहरी और रफ्तार के दरमियान पूरी हो जाती हैं. इसलिए शहरी और रफ्तार के दरमियान तो ORS की ज़रूरत नहीं है. ओके, ठीक है. अब डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारे चाय कैफीन का इंटेक, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें जो है बॉडी में खुश्की पैदा करती हैं, डिहाइड्रेशन करती हैं, ये आपको और पानी पीने की तरफ लेके जाती हैं. जितने भी कैफीन कंटेनिंग मशरूबात हैं, कैफीन कंटेनिंग बेवरेजेस हैं, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हैं, कॉफ़ी भी है, टी भी है, ये सारी चीज़ें वो हैं. कैफीन का एक इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं डायुरेटिक इफेक्ट पे हम बात करते हैं. डॉक्टर साहब, एक कॉल है हमारे साथ, फिर अच्छा है इससे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हेल्दी मॉर्निंग. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कौन बात कर रहे हैं? मैं रजा बात कर रहा हूँ. जी रजा, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप सुनाएं. हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ. क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए ताकि उसको हाई टेंशन ना हो. अच्छा ठीक है, हाई टेंशन ना हो. हाई टेंशन नहीं. हाँ जी, जॉब करता हूँ. ठीक है, डिहाइड्रेशन ना हो. क्यूट. अच्छा रजा साहब, हमारे पोल का जवाब देंगे? आपका पोल का सवाल क्या है? आपने हमारे पोल का सवाल नहीं सुना. हमारे पोल का सवाल है कि हम आजकल के जमाने में आप हमारी जो पुलिस है उस पर एतमाद करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते. हाय हाय, क्यों नहीं कर सकते? क्या हुआ आपके साथ? हर थाने पे इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है, पुलिस का है फर्स्ट मदद आपकी, लेकिन कभी टाइम पे नहीं आती. अच्छा, कभी टाइम पे नहीं आने का एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है क्या? मेरे साथ दो दफा हो चुका है. अरे, दो दफा हो चुका, फिर तो आप बिल्कुल कह सकते हैं आराम से. चले जी, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और बाकी मैं अभी तक हमने इस चीज़ को कवर नहीं किया था. डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि कितना नॉर्मल वाटर इनटेक होना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये सवाल तो वाकई बहुत बुनियादी नौजियत का है कि हम कहते हैं पानी पिए, सवाल तो समझ आता है कि कितना पिए. देखिए, पानी पीने का हमारा मकसद क्या है? हमारे जिसमें जो पानी है तकरीबन बॉडी का 50-60% बॉडी वेट, जो टोटल बॉडी वेट का 50-60% होता है, वो हमारे वाटर होता है. पानी पीने का मकसद ये है, उसमें तवाज़ुन कायम रखना, उस वाटर को मेंटेन करना. ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है अगर हम रोज़ाना 2.5 लीटर पानी पिए, जो तकरीबन 10 गिलास बनता है. लेकिन इसके अलावा कुछ फिर दूसरी चीज़ों की मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो ये मैं रमज़ान के अलावा बात कर रहा हूँ, कि क्योंकि इनका जो सवाल है ये तो ये कि इन्होंने जनरल सवाल पूछा कि आम हालात में हमें कितना पानी पीना चाहिए. आप देखें कि हमारे यहाँ पर जनरली मौसम गर्म रहता है, फिर इसके अलावा हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर एक ज़रई माशरा है, लोग खेतों और खलिहानों में पूरा दिन काम करते हैं. तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए. उन लोगों को फिर उनमें रिक्वायरमेंट 2.5 लीटर से ज़्यादा की होती है. जनरली जो है 2.5 लीटर पानी 24 आवर्स में काफी है. 2.5 लीटर्स पानी, 10 ग्लास के करीब, 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इज मोर देन एनफ. थोड़ा सा जरूरत आपकी बढ़ सकती है अगर आपका आउटडोर काम हो और आप स्वेट ज्यादा करते हो. अच्छा, इसकी ये जो 2.5 लीटर्स की मैंने आपको क्वांटिटी बताई, इसकी जो बेस है वो इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि काफ़ी है, कि इतना पानी वो है जो हमारे जिस्म से रोज़ाना खारिज होता है, पेशाब की सूरत में, फिसेस की सूरत में, पसीने की सूरत में, जो हम सांस लेते हैं तो जो हमारी एक्सपायर्ड एयर होती है इसमें भी कुछ वाटर वेपर्स होते हैं. तो उन सबको कैलकुलेट करने के बाद ये नतीजा निकाला गया कि चूंकि इतना पानी का अखराज होता है, तो लिहाजा अगर 2.5 लीटर ले लिया जाए तो वो सेहतमंद जिंदगी के लिए काफी है. ठीक है जी, यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया. लेट्स कम बैक टू द डिहाइड्रेशन वी वर टॉकिंग अबाउट. अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये रूल आउट हो गया कि द पेशेंट इज हैविंग डिहाइड्रेशन. सबसे पहले
किस स्केल पे हम उसको कहेंगे कि यस दिस पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड? कोई मेजरमेंट स्केल होगा, कुछ पता होगा कि इतना बॉडी में हो गया तो ये डिहाइड्रेशन में चला गया है? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो चीज़ें आ जाती हैं कि उसके पहले तो खुद पेशेंट आकर कहेगा, फिर दूसरी बात है जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जिस तरह नॉर्मली जो नॉर्मली हमारा पल्स रेट से होता है 70-80 बीट्स पर मिनट, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा उसका पल्स रेट ज़्यादा होगा, जिसे उसे जिसे कहते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसमें जो है ब्लड प्रेशर उसका ऐसा ऐसा जैसे जैसे डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती जाएगी ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिर कुछ हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशंस भी हैं जो डिहाइड्रेशन के लेवल को बताती हैं। फॉर एग्जांपल हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कर सकते हैं, उसके सीरम यूरिया भी कर सकते हैं कि डिहाइड्रेटेड पेशेंट में सीरम यूरिया भी बढ़ जाता है और जितना वो डिहाइड्रेटेड होगा उतना उसमें यूरिया बढ़ेगा। बाज लोग जब सीवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं तो उनमें यूरिया जो है 80-90 भी चला जाता है, हालांकि इसकी नॉर्मल वैल्यू 50 तक होती है। ठीक है, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, जी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग जी, मैं मसूद बात कर रहा हूँ कराची से। मसूद साहब बहुत लाउड बात कर रहे हैं। एक्चुअली एक प्रॉब्लम था, मुझे पूछना था वो था ये कि जब रोजा हम लोग खोलते हैं तो उसके बाद जो है ना बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो पानी पी लेते हैं बहुत ज्यादा ना, मतलब खाया उतना जाता नहीं, तो उसके बाद जो है वो अजीब सी ना, मतलब एक दो बार ऐसा हुआ है कि मुझे उल्टियाँ होती है। एक बार आई एम सो सॉरी मिसेस साहब, आपकी प्रॉब्लम सही से समझ नहीं आई, दोबारा बताइए। ये होता है कि हम मतलब नाश्ता कर जब वो रोजा खोलते हैं तो उसके बाद जब हम जो है ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो है ना पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि रात को ईशा के बाद जब नमाज वमाज पढ़ने के बाद जो है ना बहुत अजीब सी तबीयत होना शुरू होती है, के बाद जो है ना मतलब पेट में प्रॉब्लम होता है और जो है मतलब वॉमिट हो जाता है, रात को जो है पेट खराब हो जाता है। पेट खराब हो जाता है पानी पीने से, ये ओवर ईटिंग की वजह से? जी जी, ठीक है ठीक है। अच्छा चले जी, हम आपका थोड़ा थोड़ा इशू समझ गए, ठीक है। आप हमारे पोल का जवाब देंगे मसूद साहब? हाँ मसूद साहब, चले जी, डजंट मैटर एनीवे। ओके सर, आई थिंक वो ये कह रहे हैं कि वो अफतारी में वो माले गनीमत समझ के बहुत खा लेते हैं। कह रहे थे पानी ज्यादा पी लेते हैं, पानी ज्यादा पी लेते हैं, शायद उन्होंने पहले वॉमिट कहा था, फिर उन्होंने बताया कि इंडाइजेशन भी हो जाती है। देखिए पानी तो चूँकि जो रोज़े हम रखते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म के तहत रखते हैं इस्लाम के, और तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद पानी हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने हमें ये भी हुक्म दिया कि हर काम में तवाज़ुन रखो, तो पानी पीने में भी तवाज़ुन भी रखना चाहिए। अब अगर आपने ज़्यादा पी लिया तो देखेंगे बड़ा नुकसान नहीं भी होगा तो कम अज़ कम ये ज़रूर होगा कि आपको फौरी तौर पर पेट फूल जाएगा, डिसकम्फर्ट आप फील करेंगे और आपको मतली सी भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा जो उसका एक और नुकसान है वो ये कि जब आप पानी ज़्यादा पी लेंगे तो नतीजतन वक्ती तौर पर आप फूड इनटेक आपका वो कम हो जाएगा, जब फूड इनटेक कम हो जाएगा तो फिर आपको वीकनेस ही महसूस होगी, तो लिहाजा बेहतर ये कि पानी का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक किया जाए। अच्छा अब डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि आपने रोज़ा खोला खजूर से, विच इज़ सुन्नत, ठीक है जी जी। वैसे न्यूट्रिशन यूजुअली कहते हैं कि रोज़ा आप किसी फ्रेश जूस या किसी चीज़ के साथ खोलें, लेकिन हम लोग तो सुन्नत के अकॉर्डिंग खजूर से खोलते हैं। उसके बाद चलो वो सुन्नत पूरी हो, उसके बाद जी पानी पे झपटा या जूस पे झपटा या फिर वो कार्बोनेटेड ड्रिंक जो पड़े हैं 2-3-4-5 मतलब जितना दिल चाह रहा है पीते चले गए, तो और फिर उसके बाद वो जी अफतारी में ऑल द चिकनी चीज़ें यू कैन इमेजिन, तो शुरू में पानी पीने का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? एक या दो ग्लास पिया फिर खाना शुरू किया या फिर उसके साथ फिर बाद में पानी पिया, किस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आपको भारीपन भी महसूस ना हो और पानी की कमी भी पूरी हो जाए? देखिए सिर्फ अफ्तार में मैंने आपको बताया जो जो आपके पहले कॉलर का सवाल जनरल क्वेश्चन था कि हमारी पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने कहा था 2.5 लीटर। हाँ, लेकिन वो 2.5 अब एक साथ नहीं पी सकते, एक साथ तो नहीं पी सकते, 24 आवर्स में पीना है, डिस्ट्रीब्यूट कर। अच्छा दूसरी बात है कि रमजान में चूंकि मैंने कहा फिजिकल एक्टिविटीज कम करनी होती है तो इसलिए 2 लीटर्स भी काफी है। जहाँ तक सिर्फ अफ्तार का ताल्लुक है, अफ्तार में सिर्फ दो गिलास भी काफी है, 3 गिलास भी काफी है, बस 2 गिलास भी काफी है, उसके बाद अब टाइम टू टाइम पिए ना, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब ये जो आपने 2 लीटर्स पीना है ये आपने अफ्तार से सहरी तक पीना है। सही, हाँ तो एक साथ पीने की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी पे इतना बर्डन डालें। डॉक्टर साहब आई मीन अब ये सवाल टोटली उल्टा हो जाएगा, कुछ लोग को कहते हैं कि पानी पियो पानी बहुत अच्छा है और पिला पिला के खुद भी पानी पीते रहते हैं, पिलाते भी रहते हैं, पानी 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 करते रहते हैं सारा वक्त, एक गिलास भी रखा होता है, बॉटल भी टंगी हुई होती है, कहीं भी जाते बहुत
इस तरह क्या आप अपने सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हैं पानी से, इससे कोई नुकसान होता है? देखिए, पानी की तो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। अगर आप ज्यादा पानी पियेंगे आपको डायरेसिस ज्यादा हो जाएगा, यूरिनरी आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। किडनी पे लोड नहीं पड़ेगा कितना उस बेचारी को बार बार फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी? देखिए, जो हमारी किडनी है उसका तो जो लेवल, वो जो उसके जो वर्किंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है, वो तो जो आप पानी पीते हैं वो एक्सीड तो वो कर देगा, लेकिन ओवरऑल आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसका आपको नुकसान ही होगा कि आपके जो दूसरी चीजों का इंटेक कम हो जाएगा, फिर आप ऐसा ऐसा कहेंगे मुझे वीकनेस हो रही है। और एक और इसका जो नुकसान ये है कि जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है तो कुछ ना कुछ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का भी अखराज होता है, तो लिहाजा इसका आपको नुकसान हो सकता है, ज़्यादा पानी का फायदा नहीं हो सकता। फायदा नहीं हो सकता। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा हूँ। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग अली, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग मैम, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम पूरा दिन अगर रोजे में पानी नहीं पीते हैं और प्यास फील होती है, फिर धूप होती है, और यानी कि बाहर भी जाना होता है, काम भी होते हैं, तो मुझे ये मालूम करना था कुछ ऐसा हो कि इफ्तार में ले लें या फिर सहरी में ले लें जिस वजह से प्यास ना रहे। कुछ ऐसा ले लें? जी जी, यानी कि पूरे दिन की जो पानी की जो कमी water. है वो जी जी जी, जी वो ताकि पूरी हो जाए कमी। अच्छा ठीक है, कोई ऐसी खास मैजिकल चीज? जी जी जी। क्या फंसा दिया अली साहब आपने हमें। पोल का सवाल है कि आजकल के जमाने में हमारी पुलिस पे आप एतमाद करते हैं? मैम हम तो बिल्कुल नहीं करते। क्यों क्यों, आपके साथ क्या हुआ? नहीं, वैसा होता है कि अगर हमारे पास पेपर या कोई भी चीज ना हो तो वो कुछ यानी कुछ देने होने तो छोड़ देते हैं। क्या कह रहे थे? मतलब कि यानी कि जो है ना ट्रस्टेड नहीं है किसी भी हवाले से। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। चले जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल साहब, हम इस आपके मैजिकल क्वेश्चन का मैजिकल आंसर करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल। मैजिक कोई है ऐसी चीज? मैजिक और इन अदर वर्ड्स, ये चाह रहे थे कोई शॉर्टकट हो जाए। कोई शॉर्टकट हो जाए, टेंशन ही ना पड़े। लेकिन हां, शॉर्टकट कोई नहीं है। जब आप रोजा रखेंगे, आप 12 से 14 घंटे खासतौर पे गर्मियों के सीजन में जो है वो फास्टिंग करेंगे, तो एक दो चीजें तो पक्की, आपको भूख भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी, और मल्ट जिसको कहते हैं वो डिहाइड्रेशन भी होगी। इससे बिल्कुल सरासर तो वो बचाव मुमकिन नहीं है, जिससे जैसे आपने कहा ऐसी कोई मैजिकल टैबलेट नहीं है जो इन चीज़ों को बिल्कुल से ख़त्म कर दे। और फिर रोज़ा है भी तो इसी चीज़ का इम्तिहान, सेल्फ कंट्रोल है, विल पावर, इसी चीज़ को चेक करना है। तो कुछ तो आपने बर्दाश्त करना है, कोशिश ये करें कि जो आपको खाने पीने का जो वक्त मिलता है उसमें अपनी खुराक को मुतवाजन रखें, उसको बैलेंस रखें, उसमें बैलेंस डाइट लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है हमारे पास, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं अभी आपकी कॉल ही कर रहा था, वकील नाम है मेरा। वकील साहब? जी जी जी। आप तो मतलब वकील हैं। क्या बात है, जबरदस्त, आई लाइक योर नेम। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं रमजान के हवाले से बात करना चाह रहा था। बिल्कुल कीजिए जी। मैं रमजान के हवाले से ये बात करना चाह रहा था कि अभी हमारा जो इफ्तार है। हेलो। हाँ जी, क्या है? जी, हम जो इफ्तार जो करते हैं, स्टार्फ जो कर रहे हैं। जी जी, इफ्तार ठीक है, इसमें हम मुनासिब जो है अपनी खुराक का जो है इस्तेमाल करें। स्टार्फ जो करें, मुनासिब खुराक को क्या करें, का इस्तेमाल करें, ज्यादा जो ओवरलोड ना करें जी। अच्छा। और अगर हम इसके साथ साथ जो है हम जो है ना तरावियों का भी एहतमाम करें, तो ये है कि ये अल्लाह ने हमारे लिए बड़ा अच्छा निज़ाम बना के रखा है तरावियों का। इससे जो है हमारे जो है निज़ाम हाजमा और हमारी जो है सेहत जो है वो बरकरार रहती है। सही कह रहे हैं। तो मेरे तो ये दरख्वास्त है हर एक से कि जो है हम रमजान के साथ साथ जो है उसके तरावियों का सबसे ज्यादा एहतमाम करें। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जी। अच्छा, आप तरावी पढ़ते हैं? माशाल्लाह पढ़ते हैं। जी जी, माशाल्लाह बाकायदा एहतमाम करते हैं। बाकायदा एहतमाम मतलब क्या? बाकायदा एहतमाम देखें, इत्माम का मकसद ये है कि जो है नमाज से पहले जो है उसका पहुंचना और जो है उसमें जो है ना शरीक होना, तो फिर जो है तरावियों को जो है सही जो है लुत्फ आता है। अच्छा, आप तरावी पे जब जाते हैं तो अपने साथ पानी लेके जाते हैं? नहीं, पानी की जरूरत नहीं पड़ती इतना। अच्छा जी जी जी। अच्छा चले, हम इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, कुछ लोग तरावी में साथ पानी लेके जाते हैं, ये प्रैक्टिस सही रहती है या गलत रहती है? मतलब गलत तो मैं नहीं कह सकते, आई थिंक सही रहती है, लेकिन इस पे फर्दर रोशनी डालेंगे डॉक्टर साहब। एक छोटी सी ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पानी को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करके किस किस तरह पीना चाहिए, और तरावी के बीच में भी हम वो वक्त कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।